जी तुलसीराम जी चंदेल जो भी जिनका अभी 14 तारीख को कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, और इस मैटर को दबाने के लिए उन लोगों ने पुलिस प्रशासन वगैरह और सबको दबा के ये हम लोगों को दबाया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही हम पे। जोधपुर के बनाड़ थाना में 1 जनवरी 2021 को FIR तुलसीराम खटीक द्वारा नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज करवाई जाती है। कुछ दिनों बाद तुलसीराम खटीक की रहस्यमयी उनके खुद के कबाड़ खाने में आग लगने से लेकर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है और सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई गई है। पुलिस प्रशासन इसको लेकर छानबीन कर रही है। परिजन वह बीमारी में जोधपुर तमाम संगठन पदाधिकारी समाजसेवी तुलसीराम खटीक को न्याय दिलाने के उद्देश्य से पिछले कुछ दिनों से महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चरी के यहां धरने पर बैठे हैं। परिजनों की मांग है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, तभी तुलसीराम का पोस्टमार्टम करवाकर सब उठाएंगे। तुलसीराम के परिजनों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। और SSP भाई लोगों और जो भी मेरे मिलने वाले हैं, मेरे सबसे मेरी दरख्वास्त है, मेरे मामा जी तुलसीराम जी चंदेल जो भी जिनका अभी 14 तारीख को कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, और इस मैटर को दबाने के लिए उन लोगों ने पुलिस प्रशासन वगैरह और सबको दबा के ये हम लोगों को दबाया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही हम पे। हम आज 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे हैं, कल रात को हमने यहाँ पे धरना दिया, इतने दिन से धरना दे रहे हैं, रात को भी हमने धरना दिया यहाँ पे, हमें बैठने तक के लिए एक तख्ती तक नहीं लगाने दे रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है, आप गांधी मोर्चरी पहुंचे और हमें न्याय दिलाने के लिए प्रयास करें, आपका सहयोग करें, हम आपके आभारी रहेंगे। और सभी SSP वर्ग हमारे भाई लोग और जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो मेरा सहयोगी रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, आप यहाँ पधारें और हमें सहयोग करें ताकि मेरे मामा जी को न्याय मिल सके। मेरा छोटा भाई, बड़े भाई, मेरा इतने दिनों से कुछ भी खाया नहीं, और हम आप सब परिवार आम अनशन कर देंगे अगर ये आज हमारे साथ ये गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ पे यहीं बैठे रहेंगे, और तब तक है ना सब नहीं उठाएंगे घोड़ी, हम लोग जब तक नहीं करेंगे पोस्टमार्टम करेंगे। धन्यवाद, आप बता रहे हैं।